नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, 0238 गन्ना वैरायटी या और भी कोई वैरायटी है तो आप जो देख रहे हैं इसमें कुछ इस तरीके से, ये देखो पीला पीला नज़र आ रहा है और ये देखो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। इससे काफ़ी परेशान है किसान भाई और वो समझ रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रोग आ गया और इसकी तरह तरह की इसमें कीटनाशक लगा रहे हैं। अभी मैं कुछ और भी पौधे दिखाऊंगा, जो स्थिति है वो सभी किसान भाइयों के खेतों में लगभग है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं, ये देखिए जो सड़न सी यहाँ पर नज़र आ रही है और देखो ये पत्ती बिल्कुल सूख करके अलग हो गई है। अब मैं इसमें दो तरीके हैं वैसे तो खास खास, देखो ये भी एक ऐसी समस्या है, यहाँ लगभग वही स्थिति है। अब मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ कि ये देखिए जो ये पीली पीली पत्ती है यहाँ पर जिससे आप परेशान हैं, अब इसको छोड़ दीजिए और ऊपर देखिए ये गोभ देखिए, ये जो बिल्कुल ऊपर की गोभ है ये बिल्कुल हरी है और बिल्कुल क्लियर तरीके से चल रही है। इसमें कोई बीमारी नहीं, ना पीलापन है। पीलापन है सिर्फ जो साइड में पत्तियाँ हैं, ये है ये साइड वाली पत्ती, ये है ये, इसकी साइड में दूसरा पौधा है, इसमें भी आप देख लीजिए इसमें भी पीलापन इस पत्ती पर है और बीच की जो गोभ है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इसमें ये देख लीजिए ये पत्ती में रोग है और इसको आप कहेंगे पोका बोइंग, और इसमें पत्तियां जो होती हैं काली काली देखो ये होती हैं और ये सूख करके बिल्कुल नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक दूसरा पौधा इसी तरीके का यहाँ पर भी दिखाऊंगा, ये रहा, इसमें भी ये बीमारी आई और ये भी काला काला ये देखिए यहाँ पर है। लेकिन अब आपको अपने गन्ना खेत की जो मेन बात है मैं बताने वाला हूँ, ये देखना है कि इसके बीच में से जो पत्ती है ये बिल्कुल क्लियर निकल के चली, ये यहाँ से देख लो बिल्कुल क्लियर निकल के चली है ये वाली, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। पत्ती में जो बीमारी है वे है साइड में, देखो ये और ये जो पत्ती है साइड में इसकी, ये वाली पत्ती, ये साइड में जो साइड वाली पत्ती है उसमें बीमारी है। इसका मतलब ये है कि इसमें अब जो बीमारी लगी थी पोका बोइंग रोग आया था वो अब इसमें से हट चुका है। तो मैं ये भी बता दूं जो पोका बोइंग रोग है ये फंगस से आता है, किसी कीड़े वीड़े से या कीट से नहीं आता है, ये फंगस जनित बीमारी है। तो ये इसमें से हट चुकी है। अब जब इसमें से डंडी निकलनी शुरू हो गई गोभ में से नई पत्ती वाली और इसमें कोई बीमारी नहीं है, तो समझ लो कि जब साइड में पत्ती आ ली है तो बीमारी तो जब भी पहले थी अब ये हट चुकी है। वही स्थिति मैं आपको इस पौधे की बता दूँ, जब इसमें पीलापन आपको दिखाई दे रहा और ऊपर की गोभ में दिखाई नहीं दे रहा तो समझ लो कि इसमें भी अब कोई बीमारी नहीं है। तो किसान भाई, इसमें पहली बात तो इन दोनों ही बीमारी जो मैंने बताई हैं ये फंगस जनित बीमारी हैं और इसमें किसान भाई अधिकतर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जैसे फटेरा है, कलोरो है, दुकानदार बता देता है कि कलोरो लगा लो, उसका तो मतलब दवाई बेचने से है। तो इसमें आपको कोई भी कीटनाशक नहीं लगाना है। पहली बात तो ये कि यदि आपको ऐसी स्थिति नज़र आए तो आप उसमें कोई दवाई लगाएं ना, क्योंकि वो तो बीमारी हट चुकी। देखो ये पौधा भी ऐसा है, इसमें पत्ती पीली पीली है लेकिन इसकी जो बीज की गोभ है वो बिल्कुल क्लियर है। यदि आपको अपने गन्ना खेत में इस तरह का कुछ दिखाई दे और ऊपर की जो गोभ है बिल्कुल सही तरीके से चल दी तो कोई भी उसमें कीटनाशक या फंगीसाइड भी मत लगाओ। तो ये जो मैंने पत्ती बताई है ना, इसमें कोई अगर दवाई भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फंगीसाइड लगेगी, जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजैब है, एक टोबैकनोजोल है, साल्ट जो किसी भी दवाई में आता हो, किसी भी प्रोडक्ट हो, वो बहुत अच्छा फंगस को रोकने वाला है। यदि ये बीमारी ज़्यादा है और ऊपर की जो गोब है वो हरी पर नहीं चल रही है तो फिर इन दो दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कीटनाशक का दवाई का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसका दूर दूर तक भी कीटनाशक से कोई संबंध नहीं है, ना ही इसमें कोई कीड़ा है। ये दिखा रहा हूँ काफ़ी मात्रा में है, देखो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा, आपके गन्ना खेत में भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये रही। तो आप इसमें कोई दवाई ना लगाएं, अब ये रोग जो है वो हट चुका है। देखो यहाँ पर ये पत्ती है लेकिन इसकी जो बीज की गोभ है वो चल पड़ी है, तो अब समझ लो कोई ज़रूरत नहीं है, ये गन्ना पौधा आपका क्लियर हो चुका है। ये जो बीमारी थी, जब बीमारी ये गोभ में होंगी यहाँ पर पत्ती तब इसमें लगा होगा, ये बात को समझाने का मेरा उद्देश्य है। इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो बताई है कि इनमें भी कोई कीटनाशक या फंगीसाइड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रोग हट चुका है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें।
फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।